हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सर्कल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 41,000 पुलिस भर्ती में फिजिकल और मेडिकल पूरी तरीके से पास कर लिया है तो आप लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि बहुत से जिलों ने ट्रेनिंग की ऑफिशियल डेट घोषित कर दी है और JTC की जो ट्रेनिंग है वह 8 मई से शुरू होगी और RTC की जो ट्रेनिंग है वह 3 जून से शुरू होगी। हालांकि बहुत से जिले अभी भी हैं जिन्होंने अभी तक डेट घोषित नहीं की है और वहां के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो JTC की ट्रेनिंग है इसका पूरा कारोबार जिले को सौंपा गया है। आपका जिला ही इस ट्रेनिंग को पूरे संपन्न कराएगा, वही भी आपको दूसरे जिले के लिए ट्रांसफ़र करेगा JTC की ट्रेनिंग के लिए। तथा JTC की ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद आपका जिला आपको RTC की ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। तथा यह पूरी जिले की जिम्मेदारी है कि वह आपको कब JTC की ट्रेनिंग डेट घोषित करता है। अलग अलग जिलों की यह डेट अलग अलग हो सकती है। तथा आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कोई जिला आपकी ट्रेनिंग पहले करवा देगा JTC की, कोई जिला आपकी JTC की ट्रेनिंग बाद में करवाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं JTC क्या है। तो JTC का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो कन्नौज जिला है इन्होंने अपनी पूरी स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी कर दी है और इन स्टूडेंट्स का, कन्नौज के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी 8 तारीख से JTC की जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, JTC के बारे में हम लोग बात करेंगे। बैंक खाते खुलवा जाते हैं दोस्तों। अभ्यर्थियों के जो वेतन आता है वह वेतन एक खाते में आता है, बैंक खाते में। वह खाता खुलवाने की प्रक्रिया JTC ट्रेनिंग के दौरान ही संपन्न होती है। नेक्स्ट है, वर्दी तैयार की जाती है तथा वर्दी को कैसे पहनना है यह सिखाया जाता है और वर्दी के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं उसको भी इसी ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुशासन व नियम सिखाए जाते हैं JTC ट्रेनिंग के दौरान। अभ्यर्थियों को पुलिस के अनुशासन और नियम सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पियानो और नेम प्लेट का आवंटन किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हमारे पुलिसकर्मी होते हैं इनके वर्दी में एक नेम की प्लेट लगी होती है, वह प्लेट आपको इसी ट्रेनिंग के दौरान आवंटित की जाती है। मेन पॉइंट दोस्तों है कि सप्ताह में एक बार पुलिस अधीक्षक आपका साक्षात्कार भी लेंगे इस ट्रेनिंग के दौरान। नेक्स्ट ट्रेनिंग है जिसका नाम है RTC। RTC की ट्रेनिंग 3 जून से शुरू होगी। इसी को हम लोग जानते हैं, ज़्यादातर लोग RTC ट्रेनिंग को ही जानते हैं कि 6 महीने की पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसी को RTC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंट्रल। और इसकी जो अवधि होती है दोस्तों वह होती है 6 महीनों। 6 महीने तक यह ट्रेनिंग चलती है। इसमें आपके एग्जाम भी होते हैं, रूल, लॉ और एक्ट के इसमें एग्जाम होते हैं। इसमें आपके 3-3 महीने में 2 एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हथियारों को चलाना सिखाया जाता है, उनकी मरम्मत करना सिखाया जाता है तथा उनका प्रयोग भी आपको सिखाया जाता है। पूरा प्रशिक्षण आपको दिया जाता है हथियारों के बारे में। नेक्स्ट है, आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको खुद को कैसे बचाना है इसकी ट्रेनिंग आपको पूरी तरीके से दी जाती है। PT परेड की पूरी प्रशिक्षण आपको दिया जाता है कि आप लोगों को PT परेड की इसके बारे में सभी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है RTC ट्रेनिंग के दौरान। दोस्तों, अब आप लोगों के सामने यह ऑफिशियल डाटा रहा जिसमें कि ये जितने भी जिलों के नाम दिए गए हैं ये RTC के प्रमुख केंद्र हैं और यहाँ पर आपकी RTC की ट्रेनिंग संपन्न कराई जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि वर्ष 2018 में चयनित 23,238 रिक्रूट आरक्षित नागरिक पुलिस का दिनांक 3/6/2019 से 6 मई का आधारभूत प्रशिक्षण संपन्न कराने हेतु आवंटन। यह इस एप्लीकेशन का विषय है जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। और हम बात करते हैं कि इसमें देखो साफ साफ मेंशन है कि दिनांक 29/4/2019 के बजाय अब 3/6/2019 से 6 मई का आधारभूत प्रशिक्षण आरंभ कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, हम आप लोगों को और प्रूफ देते हैं। ये चौथे नंबर पर लिखा है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि JTC के जनपदों से
आरटीसी में आगमन पर आवंटित रिक्रूट आरक्षियों को दिनांक 3/6/2019 से 6 मई का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने का कष्ट करें। तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ जो हमारी जेटीसी की तैयारी है, जेटीसी की जो ट्रेनिंग होगी इसका पूरी जिम्मेदार आपके थाना होगा, आपका जिले का जो थाना होगा वह आपकी जेटीसी की ट्रेनिंग को संपन्न कराएगा। तथा उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि 3 तारीख से पहले आप लोग जेटीसी की ट्रेनिंग संपन्न करें और आरटीसी की तैयारी के लिए भेजें 3 तारीख को, अपने अपने जो जिले कैंडिडेट हैं उनको 3 तारीख को आरटीसी के जो सेंटर घोषित किए गए हैं उनमें भेजें। तो आप लोगों के ये जिले के जो थाना है इनकी जिम्मेदारी होगी और ये हो सकता है कि आपके अलग अलग डेट फिक्स कर सकते हैं आपके जेटीसी की तैयारी के। हालांकि कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जिन्होंने 8 मई को 8 मई की घोषणा कर दी है जेटीसी के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट दोस्तों हैं ये जो जेटीसी के ये बनाए गए हैं आपके केंद्र, उनका विवरण दिया गया है किस किस के जिले में जेटीसी की तैयारी होगी। तो आपके जो थाना होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी जेटीसी की तैयारी संपन्न कराने की। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपके आरटीसी के जो केंद्र बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ होंगे। तो इसमें सबसे पहले ये दिया गया महिलाओं के जो केंद्र हैं इसमें जैसे कि आपके 3 जेटीसी के ये जनपद हैं, कौशाम्बी, बांदा और चंदौली। जब इनके कैंडिडेट जो हैं जेटीसी की तैयारी पूर्ण कर लेंगे प्रशिक्षण का पूरा हो जाएगा जेटीसी का, इसके बाद आरटीसी के ये सारे कैंडिडेट इन जिलों के भेज दिए जाएंगे प्रयागराज और इनका होगा प्रयागराज में आरटीसी का प्रशिक्षण। ऐसे ही सभी 3-3 जिलों के आरटीसी में कन्वर्ट किया गया है। और नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही महिला जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 4,542। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट क्योंकि ज़्यादा है इसलिए एक जेटीसी जनपद का एक ही आरटीसी जनपद में ट्रांसफ़र किया गया है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं पूरा ये डाटा जो है ऑफिशियल डाटा है ये। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को अभी सब्सक्राइब करिए। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।